ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਾਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਮਨਕੁੰਦਾ ਔਰ ਗੈਰ ਮਨਕੁੰਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਕਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਰੀ ਕਾ ਜਲਦ ਹੋਗਾ ਆਗਾਜ਼ पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट टीम मुल्तान पहुंच गई गुर्दों की प्रबंधकारी बारे महकमा सेहत से तलब लख्याल जिस्मानी अजा अदिया करने के लिए लाहे अमल उड़ाने का भी फैसला भागलपुर की खस्ता हाल सड़कों की सुनी गई नई और पुरानी सड़कों की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर 3 करोड़ रुपए की लागत से पुराने रोड की तजीन और आयश होगी अहमदपुर शरकिया मौजा घनिया बस्ती अराइया में अफसोसनाक वाकया 40 फुट गहरे कुएं की खुदाई के दौरान 5 मजदूर मिट्टी तले दब गए 3 अफराद को निकाल लिया गया 2 की तलाश जारी रेस्क्यू का मजदूरों को निकालने के लिए क्रेन की मदद से ऑपरेशन जारी मकान बनाना अब नहीं रहा आसान कीमतें सुनकर सब हो गए खता आसान नए साल से कबल आवाम को महंगाई का बड़ा तोहफा तामीराती मटीरियल की कीमतों में मजीद 17% इजाफा मकान बनाने वाले और तामीराती शोबे से व्यवस्था सब परेशान शहरी ने कहा कि रिलीफ नहीं देना तो कीमतों में इजाफा भी ना करें जब हमने शुरू किया था उस टाइम सीमेंट का रेट था 550 रुपये अब रेट चल रहा है 750 रुपये और तकरीबन बढ़ाते जा रहे हैं तकरीबन 800 रुपये पहुँचने वाली सीमेंट है और जब हमने ये शुरू किया था बजरी मिल रही थी हमें 50 रुपये अब बजरी मिल रही है हमें 70 रुपये के हिसाब से सरिया जो था वो 100 रुपये था अब 150 रुपये पहुँचने वाला है 200 रुपये पहुँच गया 210 रुपये पहुँच गया हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इन रेट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें और देखें आए दिन सीमेंट का बजरी का ये मटीरियल जो आम रूटीन में यूज़ होता है उनका रेट किस बेस पर बढ़ रहा है रोटी पूरी नहीं हो रही चीज़ें इतनी महंगी हैं अभी इन्होंने इतना टैक्स लगा रहे हैं जनवरी के अंदर जो मकान बना भी रहा है वो भी रुक जाएंगे वो मुश्किल हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ती भी है बेरोजगारी बढ़ती भी है गरीब आदमी क्या करे सी मटेरियल जो पहले सरिया 80 रुपये किलो था अब 200 रुपये किलो पहुँच गया और यकम जनवरी से दोबारा बढ़ रहा है जिसकी वजह से तमीराती काम करना बहुत मुश्किल हो गया है और आवाम के लिए मकान बनाना ख्वाब हो गया दिन के बाद मुल्तान आने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार इंतजार की तोप में मुसाफिरों को किया खार उधर अहमद खान ने अप एंड डाउन ट्रैक्स दिन के बाद मुतासिर हजारा जाफर एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें ले मुसाफिरों को परेशानी के सामने रहिंगर खान ने वर्कर वेलफेयर स्कूल्स के साथ के एहतजाज मुजाहरीन के मुतालबात के अतम नारेबाजी मुतालबात तस्लिम न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान नून लीग से वस्तगी की सजा दी जा रही है मेयर मुल्तान चौधरी ने रिहा कराई का बड़ा इंकशाफ कहा कि मुकदमा दर्ज होने से पहले कुछ दोस्त मेरे पास आए कहा कि पीटीआई ज्वाइन कर लो वरना मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा मेयर मुल्तान ने अदालत पर इकदाम का इजहार किया शहर अलिया खानकाहों और मजारों की सरजमीन महकमा सारकदीमा मजारात की बहाली के लिए कोशा मजार हजरत सखी सुल्तान अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह का तामीराती काम जारी 2 करोड़ के मंसूबे के पहले मरहले के लिए 50 लाख जारी क्रिसमस की तकरीबात को भरपूर तरीके से मनाया जाए पंजाब हुकूमत का क्रिसमस पर खसूसी इंतजाम का हुक्म कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजाम करने की हिदायत अफसरान को क्रिसमस की तकरीबात में शरीक होने का इंदिया दे दिया जनूबी पंजाब भर में क्रिसमस बाजार लगाए जाएंगे डिप्टी कमिश्नर रहिंगर खान की सरबराही में इजलास हुआ क्रिसमस के इंतजाम का जायजा इजलास दिया 20 दिसंबर तक 24 दिसंबर तक क्रिसमस बाजार लगाने की हिदायत ग्राम फोर्सों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा की सरबराही में इजलास अशिया खनोज की कीमतों अफसरान की कारकर्दगी का जायजा मुतलका अफसरान ने डीसी को दे दिया कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर शाद अहमद का काजिर फुर्रा टीबी सेंटर के दौरा डिप्टी कमिश्नर के हमरा गायनी वार्ड आउटपुट वार्ड और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना स्टॉक शुदा अद्वियात के बैनर्स भी अवेजा करने की हिदायत
کمشنر ڈی ڈی خان نے اقتل چٹھا کی تونسل شریف آمد ہوئی ترقیات کے منصوبوں بارے جائز اجلاس کی صدارت بھی کی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا کہا سیکری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جاوید اختر محمود کا کبیر والا کا دورہ بدوانہ میں جاری سیوج منصوبوں کا جائزہ ڈی ڈی خان میں آلودگی کے خاتمے کے لیے شرکاری مہم ضلعی انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی شمولیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے پودے لگائے گورنمنٹ ہائی اسکول سروبالی میں وفاقی وزیر زرتاج گل کی آمد اسکول ٹیچر محمد عبداللہ کے الوداعی تقریب میں شرکت زرتاج گل نے کہا کہ ہم نے 27,000 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا ملتان میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز سینٹ جوزف ہائی اسکول ملتان میں تقریب ہوئی ننھے بچوں کی خوبصورت پرفارمنس پر شرکا نے خوب داد دی لیا میں زکریہ ایجوکیشنل سسٹم کے ذریعے تمام سپورٹس کالا ہوا آخری دن طلبہ کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے شرکا نے حوصلہ افزائی کر کے طلبہ کا خوب جوش بڑھایا